हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग तीन, पाठ त्रयोदश, पाठ 13, पाठ व्याकरण। आज हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। आइए चलिए जानते हैं व्याकरण के बारे में। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज इसमें है धातु रूप के बारे में जानते हैं। एक होते हैं शब्द रूप और एक होते हैं धातु रूप। हम जानते हैं धातु रूप के बारे में। धातु रूप क्या होते हैं? जैसे हर धातु के पांच पांच लकार में रूप चलते हैं। कोई सी भी धातु होती है, जैसे इन्होंने यहाँ दिया है स्मृ धातु, ये कोई सी भी धातु होगी, सबके एक समान ही रूप चलेंगे, उसी लकार में तीनों वचन में चलते हैं और तीन पुरुष होते हैं इसके, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, स्मृ धातु के हम रूप करते हैं आज। स्मृ धातु मीन्स याद करना, है ना। स्मृ धातु के लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में रूप कैसे चलते हैं, देखिए आप। प्रथम पुरुष स्मृति, स्मरतः, स्मरन्ति। मध्यम पुरुष में स्मरसी, स्मरथ और स्मरथ। उत्तम पुरुष में स्मरामी, स्मरावह और स्मराम। इसी प्रकार लोट लकार में यानी कि आज्ञार्थक में हम इसके कैसे रूप चलाएंगे, ये भी तीनों पुरुष में, सब तीनों पुरुष और तीनों वचन में चलते हैं, जैसे स्मरतु, स्मरताम, स्मरन्तु, स्मर, स्मरतम, स्मरत, स्मरानी, स्मराव, स्मराम। लंग लकार में रूप कैसे चलेंगे स्मृ धातु के, अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन, अस्मरह, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव और अस्मराम। विधि लिंग में स्मृ धातु के रूप चलेंगे बच्चों, कैसे चलेंगे स्मृ धातु के रूप विधि लिंग में, स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयु, स्मरे, स्मरेतम, स्मरेत, स्मरेयम, स्मरेव, स्मरेम। इसी प्रकार रट प्रकार में यानी कि भविष्य काल में स्मृ धातु के रूप कैसे चलेंगे, भविष्य काल में स्मृ धातु के रूप चलेंगे जैसे स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यत, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावह, स्मरिष्यामः। ये लट लकार में है यानी कि भविष्य काल में हमारे रूप चले हैं। अब है पिब धातु के लट लकार में रूप चलने हैं। पिब धातु, धातु पहले वो स्मृ धातु थी, अब ये पिब धातु के हमारे लट लकार में रूप चलेंगे। ये कैसे चलेंगे, पिबति, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथ, पिबथ, पिभा, पिबामी, पिबावह, पिबामह। ये लट लकार यानी कि वर्तमान काल में रूप चलेंगे। अब इसके लोट लकार में रूप चलेंगे बच्चों, लोट लकार में रूप चलेंगे जैसे कि पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। तो इस प्रकार लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक इंपेरेटिव टेंस में रूप चलेंगे इसके ऐसे। अब हमारा है यहाँ लंग लकार, भूतकाल यानी कि पास्ट में पिब धातु के रूप कैसे चलेंगे, पास्ट में पिब धातु के रूप चलेंगे अभी अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिब, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। ये चले हमारे लंग लकार में यानी कि भूतकाल में। और विधि लिंग में पिब धातु के रूप कैसे चलेंगे, विधि लिंग में पिब धातु के रूप चलेंगे हमारे पिबेत, पिबेताम और बहुवचन में पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव और पिबेयु। तो इस प्रकार हमने लंग लकार और ये विधि लिंग लकार में हमने रूप देखे, पिब धातु के रूप चले। अब ये है पिब धातु के लट लकार में यानी कि भविष्य काल में
तिव धातु के रूप कैसे चलेंगे? भविष्य काल में तिव धातु के रूप चलेंगे बच्चों। कैसे चलेंगे? पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथ, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावह, पास्यामः। तो इस प्रकार हमने लट लकार यानी कि भविष्य काल में कैसे चलेंगे तिव धातु के रूप इसके बारे में जाना। ये तो हमने धातु रूप, ऐसे हर धातु के, चाहे वो पठ धातु हो, गम धातु हो, चल धातु हो, क्रीड़ धातु, क्रीड़ धातु हो, और बहुत सारी ऐसी धातु है, भू धातु हो, ये सब धातुओं के रूप पांचों लकार में ऐसे ही चलेंगे। बस वो शब्द बदल जाता है, बाकी सब रूप ऐसे ही चलते हैं। जैसे अब ये है हमारे शब्द रूप, ये हमारे थे धातु रूप, अब हमारे ये है शब्द रूप। शब्द रूप ये उकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि साधु शब्द के रूप बताए गए हैं। साधु शब्द के रूप कैसे होते हैं? प्रथमा विभक्ति में, द्वितीया में, तृतीया में, ये सब सप्तमी विभक्ति तक, और उसके बाद फिर संबोधन आता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में चलेंगे साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, ये द्वितीय विभक्ति तक चले। अब तृतीय विभक्ति में आएगा साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य। पंचमी विभक्ति में साधो, साधुभ्याम, साधुभ्य। षष्ठी विभक्ति में साधो, साधवो, साधुनाम। सप्तमी विभक्ति में साधौ, साधवो, साधुषु। अब संबोधन में है हे साधो, हे साधु और हे साधव। इसी प्रकार बच्चों ये ऋतु वज जितने भी उकारांत है जिनके अंत में उ के साउंड आ रही है, उ का उच्चारण, छोटे उ का उच्चारण होता है, जैसे ऋतु, वायु, तरु, शिशु, बंधु, भानु, प्रभु, गुरु, शत्रु, पशु, रिपु, इक्षु, इन शब्दों के रूप इसी तरीके से चलेंगे। शब्द बदल जाता है, बाकी रूप सब वैसे ही चलेंगे। समझ आया बच्चों आपको? ये शब्द रूप है। अब हम देखते हैं कि उकारांत स्त्रीलिंग, ये तो पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है, धेनु शब्द के रूप है। स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? देखिए ये भी ऐसे ही सात विभक्ति, सप्तमी विभक्ति तक, और संबोधन, और एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पर आएगा बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धेनु के रूप चलेंगे, उकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति में धेनु, धेनु, धेनव। द्वितीय विभक्ति में धेनु, धेनु, धेनु। तृतीय विभक्ति में धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि। चतुर्थी विभक्ति में धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। पंचमी विभक्ति में धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। षष्ठी विभक्ति में धेनवा, धेनवो, धेनुनाम। सप्तमी विभक्ति में धेनवाम, धेनवो और धेनुषु। अब संबोधन क्या है? हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। तो इस प्रकार हमने उकारांत स्त्रीलिंग धेनु के शब्द जाने। इस उकारांत स्त्रीलिंग में और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे तनु, हनु, उरु, चंचु, रज्जु आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। जैसे कि धेनु स्त्रीलिंग चले हैं, वैसे ही इन शब्दों के रूप भी उसी प्रकार चलेंगे। अब ये है उकारांत नपुंसक लिंग, जिसका कोई लिंग नहीं होता, जो न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, इसका मतलब वो क्या है? नपुंसक लिंग है। ये है कौन सा शब्द? मधु शब्द। इसका कोई लिंग, मधु क्या होता है? शहद होता है। इसका शहद का कोई लिंग नहीं है, इसलिए ये नपुंसक लिंग में है। इसके रूप चलेंगे प्रथमा विभक्ति में मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीय विभक्ति में मधु, मधुनी, मधुनी, यानी कि दोनों विभक्ति में एक से रूप चल रहे हैं। तृतीय विभक्ति में मधुना, मधुभ्याम, मधुभि। चतुर्थी विभक्ति में मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य। पंचमी विभक्ति में मधुन, मधुभ्याम, मधुभ्य। षष्ठी विभक्ति में मधुन, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी विभक्ति में मधुनी, मधुनो, मधुषु। अब संबोधन है हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। जो संबोधन में आता है एक वचन का पहली विभक्ति वाला पहले यहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन वाला दूसरा हे लगकर यहाँ बन जाता है, और बहुवचन का लास्ट में हे मधुनी। ऐसे ही हर रूप में होता है, हर शब्द रूप में संबोधन में उसका
प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में हे लगकर संबोधन बन जाता है। कितना आसान हो जाता है ना, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, उसमें हे लग जाता है, संबोधन लिख देते हैं और प्रथमा विभक्ति के ही शब्द आते हैं। और इसी प्रकार वसु, तालु, अश्रु, अंबु और जितने भी उकारांत नपुंसक लिंग होंगे उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे, जैसे कि मधु के रूप चले हैं। अब हमारे बच्चों पाठ तेरे की एक्सरसाइज धातु रूप लिखने हैं हमें। एक्सरसाइज नंबर 1, जैसा निर्देश दिया हुआ है वैसे ही हमें एक्सरसाइज लिखनी है। धातु रूप है लकार है और पुरुष लिखना है, तो ये हमें गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष में लिखना है। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष में रूप आएंगे गच्छामि, गच्छावः और गच्छामः, ठीक है। अब अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष में आएंगे असि, असतम और आसत। इसी प्रकार स्था धातु लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप चलेंगे तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। हन धातु लट लकार उत्तम पुरुष में चलेंगे हन्मि, हन्वः और हन्मः। ऐसे क्रि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप चलेंगे अकरोत, अकुरताम और अकुर्वन। ऐसे कत धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के रूप चलेंगे अकथयः, अकथयतम, अकथयत। तो इस प्रकार बच्चों हमने धातु रूप जो भी उनका लकार या जो पुरुष दिया हुआ है उसके हमने ये रूप लिखे, आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, पाठ 13, नीचे लिखे आत्मनिपद धातु रूप लिखने हैं। सहधातु, सहधातु लट लकार में, यहाँ सहधातु लंग लकार में हम इसके रूप लिखते हैं बच्चों। तीनों वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तीनों पुरुषों में सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहवे, सहे, सहावहे और सहा महे। तो ये लंग लकार में सह धातु मतलब सहना, इसके लंग लकार में हमने रूप लिखे। अब यहाँ है सेव धातु के लट लकार में रूप। सेव धातु को सेविष्यति, सेविष्यते, सेविष्यन्ति, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे और सेविष्यामहे। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ सह धातु के और सेव धातु के, यहाँ सह धातु के हमने रूप देखे लंग लकार में और सेव धातु के रूप हमने लट लकार में यानी कि भविष्य काल में देखे। एक्सरसाइज नंबर 3, पाठ 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति, तो हमें यहाँ देवा है तो प्रथमा विभक्ति में देवः, देवौ और देवा। यहाँ शब्द है राम, राम का द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। यहाँ है छात्रय, विभक्ति है तृतीय, तृतीय विभक्ति में छात्रयः, छात्रभ्याम, छात्रय। अब चतुर्थी विभक्ति मुनि, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। यहाँ कवि पंचमी विभक्ति में कवे, कविभ्याम, कविभ्य। इस प्रकार षष्ठी विभक्ति में बालिकाभ्या, बालिकाया, बालिकाभ्याम और बालिकाभ्य। इस प्रकार सप्तमी विभक्ति में लता के रूप है लतयो, लतायाम, लतयो, लतासु। और इस प्रकार संबोधन में रमा है हे रमे, हे रमे और हे रमा। जैसा निर्देश दिया हो गया है उसी के अनुसार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है, जिसकी जोन से भी विभक्ति कहा गया है। जैसे देव की प्रथमा विभक्ति में तो हमने यहाँ देव, देवो और देवा करा है। राम का द्वितीय विभक्ति में करा है तो रामम, रामौ, रामान किया है। ऐसी छात्र का तृतीय विभक्ति में किया है तो छात्रया, छात्राभ्याम, छात्रई। इसी प्रकार हमने सभी विभक्ति में जो विभक्ति बताई गई है उसी के अनुसार उसके रूप लिखे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, यहाँ पर हमें जिस हिसाब से बताया गया है कि जैसे राम का षष्ठी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होगा वो हमें करना है। राम षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयो, रामानाम। और दूसरा है छात्र चतुर्थी विभक्ति में छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। तीसरा है बालक तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चौथा है वृक्ष तृतीय विभक्ति में वृक्षेन, वृक्षभ्याम, वृक्षई।
रमाम द्वितीय विभक्ति में रमाम रमे और रमा, ऐसी कवि सप्तमी विभक्ति में कवौ कवयो और कविशु। और इस प्रकार हमने यहाँ पर जिस जो निर्देश दिया हुआ है उस निर्देश के अनुसार हमने यहाँ पर तीनों वचनों में उसी शब्द का रूप यहाँ पर लिखा है। एक्सरसाइज नंबर 5 पाठ 13 शब्द रूप लिखने हैं, गुणिन शब्द के रूप लिखने हैं, विभक्ति 7 वही संबोधन, वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति गुणी गुणिनौ गुणिनः, द्वितीय विभक्ति गुणितम गुणिनौ गुणिन, तृतीय विभक्ति गुणिना गुणिभ्याम गुणिभ, चतुर्थी विभक्ति गुणिने गुणिभ्याम गुणिभ्य, पंचमी विभक्ति गुणितः गुणिभ्याम गुणिभ्य, षष्ठी विभक्ति गुणितः गुणिनो गुणिनाम, सप्तमी विभक्ति गुणिनी गुणिनो गुणिषु, और संबोधन में हे गुणी हे गुणिनो और हे गुणिना। तो इस प्रकार हमने गुणिन शब्द के रूप पढ़े और समझे। और बच्चों आपको ये याद भी करने हैं साथ में, गुणी शब्द के रूप आप याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 शब्द रूप की उचित विभक्ति पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पहला शब्द है बच्चों कव्य है, कव्य में क्या है हमारा, ये है प्रथमा विभक्ति कव्य है। लता 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 लते लता लता प्रथमा विभक्ति है। छात्रायाम छात्रायाम में पंचमी है कि सप्तमी है या षष्ठी है, छात्रा में छात्रायाम में सप्तमी विभक्ति है। कवीन शब्द में तृतीय है या प्रथमा है या द्वितीय है, कवीन शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। पुष्पस्य तृतीय विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है या प्रथमा विभक्ति है, पुष्पस्य षष्ठी विभक्ति है। और फले फले में फलम फले फलानी, वैसे तो ये भी होता है लेकिन यहाँ पर है विभक्ति दी हुई है हमें सप्तमी विभक्ति है या तृतीय है या षष्ठी विभक्ति है, फले में सप्तमी विभक्ति है। तो इस प्रकार बच्चों हमने शब्द रूप की उचित विभक्ति को जाना कि शब्द ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी उचित विभक्ति जो ये विकल्प दिए हुए हैं उनमें से छांट कर हमने सही विकल्प पर सही का निशान लगाया है। आपने समझा होगा बच्चों, आप जब तक ये रूप याद नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये रूप याद करने होंगे तभी आप पता लगा सकते हैं। और जैसे अकारांत है, एक अकारांत कर लीजिए सबका वैसे ही रूप चलेंगे, आकारांत ऐसे सब आकारांत के ऐसे रूप चलेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ की साउंड आता है आ उच्चारित होता है वो अकारांत है, जिनके अंत में आ होता है वो आकारांत है, जिनके अंत में ई होता है वो इकारांत है, और जिनमें ई होता है वो इकारांत है, जिनमें छोटा ऊ होता है वो उकारांत शब्द होते हैं, जिनमें बड़ा ऊ होता है वो उकारांत शब्द होते हैं। ऐसे जब आप सब याद कर लेंगे तो आपको ये करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप अच्छे से ये कार्य कर पाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपने व्याकरण के ज्ञान के विषय में जाना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए आभार।